चासने वाले शक्कर पारे की रेसिपी बता रहा हूँ दोस्तों आप इसे गोजा भी बोल सकते हैं बहुत टेस्टी बहुत लजाव बनेंगे दोस्तों अंदर तक जूसी बनेंगे तो दोस्तों आप इसे बना के जरूर ट्राई करें चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक बड़ा सा बर्तन लेके उसके अंदर मैं डेढ़ कटोरी मैदा ले लेता हूँ आप ये रेसिपी आटे से भी बना सकते हैं दोस्तों अब तीन से चार चुटकी मैंने लिया बेकिंग सोडा मीठा सोडा आता है वो डाल देंगे हम मेदे में और इसी के साथ इसके अंदर डाल रहा हूँ दो से तीन चुटकी नमक अब इसके अंदर मेल्टेड घी डाल रहा हूँ मैं आधा छोटी कटोरी लिया घी घी को मेल्ट करके डालना है उसके बाद हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे आटे और घी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब इसके अंदर मोयन क्रिएट हो जाएगा तो देखिए मैं आपको चेक कराता हूं इस तरह से थोड़ा सा आटा हाथ में लेके इस तरह से दबा के देखेंगे तो दोस्तों इसमें अच्छा सा मोयन क्रिएट हो चुका है बस इसी पानी पे अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी तो पानी बहुत थोड़ा सा डालना है बहुत ज्यादा नहीं डालना है दोस्तों इसका थोड़ा सा हार्ड डो लगाना है तो बस अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सारे डो को जोड़ लेंगे देखिए इस डो को बहुत ज्यादा मसलना नहीं दोस्तों सिर्फ आटा अच्छे से जुड़ जाएगा तो बस हम पंद्रह से बीस मिनट के लिए इसे साइड में रख देते हैं अब चाशनी बनाने के लिए मैंने आधा कटोरी शक्कर ली है उसके अंदर आधा कप इतना पानी डाल देंगे और अब मैं इसमें हरी इलायची डाल रहा हूं तो दो हरी इलायची लेना है इसको हल्का सा इस तरह से खोलकर डालना है और उसके बाद इसके अंदर मैं डाल देता हूं कुछ केसर थोड़ी सी केसर भी ऐड कर देंगे अब चाशनी को अच्छे से चलाते हुए हम पाँच छह मिनट के लिए पका लेंगे चाशनी को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं दोस्तों हमें कोई तार वाली चाशनी नहीं करना है सिर्फ इस तरह से जब चिपचिपी चाशनी हो जाएगी देखिए इसका कोई तार नहीं बन रहा है सिर्फ चिपचिपी सी चाशनी हो गई है तो बस अब गैस की फ्लेम बंद करके इसके अंदर नींबू की कुछ बूंदे डाल देंगे जी हाँ दोस्तों लेमन का जूस डालना है बहुत जरूरी है एक बार अच्छे से मिक्स करके इस चाशनी को हम साइड में रख लेते हैं और अब हम डो को चेक कर लेते हैं देखिए दोस्तों डो को पंद्रह से बीस मिनट हो चुके हैं इसे हमें मसलना नहीं है बस इसी तरह से डो को लेकर एक तख्ते पर रख लेंगे और इसको हम बेल लेंगे देखिए मैं आपको चेक करा रहा थोड़ा मोटा ही बेलना है इस तरह से थिक बेल लेंगे सारा आटा एक ही बार में ले लेना है और उसके बाद इसके चार पीस करेंगे देखिए इस तरह से मैं चार पीस करके इसकी लेयर कर रहा हूँ तो एक के ऊपर एक रख लेंगे इस तरह से हम सारे पेड़ों को और उसके बाद फिर से इसको हाथ से प्रेस कर लेंगे देखिए मैं आपको चेक कराता हूँ इस तरह से हाथ से हल्का सा इसे प्रेस करने के बाद एक बार फिर से इसे बेल लेंगे तो इसके अच्छे से लेयर आएगी दोस्तों हालांकि मैं बहुत ज़्यादा लेयरिंग नहीं कर रहा हूँ आप चाहे तो इसे तीन चार बार भी इसकी लेयरिंग कर सकते हैं देखिए मैंने इतना ठीक रखा है इसे अब इसके बाद मैं इसको पीसेस में कट कर लेता हूँ देखिए इस तरह से छोटे छोटे पीस में मैं कट कर रहा हूँ मैं आपको चेक कराता हूँ इस तरह से इसके पीस को बना लेंगे अब हमें इसे फ्राई करना है तो इसके लिए मैंने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया उसके अंदर तेल निकाल लेंगे और तेल को गर्म होने देंगे थोड़ा सा पेड़ा डाल के देखेंगे देखिए हल्के हल्के से बबल आ रहे हैं बस इतना ही तेल गर्म रखना है बहुत ज्यादा तेल को गर्म नहीं रखना है अब एक एक करके हम सारे पीस को हम तेल में डाल देंगे जितने आ सके उतने तेल में आप ले लें और उसके बाद इसको छोड़ देंगे हम दो से तीन मिनट तक दो तीन मिनट के बाद छोड़ देंगे देखिए थोड़े ऊपर आ चुके हैं इसके बाद भी हमें टच नहीं करना एक डेढ़ मिनट के लिए और इसे छोड़ देंगे जब हल्का सा कलर आ जाएगा देखिए हल्का हल्का सा कलर आ गया है अब इसे हम चला लेंगे दोस्तों इसे मीडियम फ्लेम पर पकाना बहुत ज़्यादा हाई पे नहीं पकाना है देखिए करीब बारह से 15 मिनट लगे हल्का हल्का सा कलर आ गया और अच्छी से लेयरिंग भी खुल रही है तो मैं अभी थोड़ी देर और फ्राई कर लेता हूं जब इस तरह से इसका कलर हो जाएगा दोस्तों दोस्तों तो बस अब हम इसे निकाल लेंगे। निकाल लेंगे इन्हें कर दोस्तों, सीधे हमें चाशनी चाशनी में डालना है देखिए मैंने का चूल्हा चालू कर दिया है है चाशनी चाशनी में डालना इसे ठंडी चाशनी में नहीं डालना है तो देखिए चाशनी में बॉइल आ रहा है और मैं इसमें सारे शक्कर पारे एड कर देता हूँ अब हल्के हाथ से चलाते हुए इसे एक आध मिनट के लिए हम चाशनी में पका लेंगे उसके बाद गैस की फ्लेम बंद करके दो तीन मिनट के लिए इसी तरह से चाशनी में छोड़ेंगे उसके बाद निकाल लेंगे तो दोस्तों सिंपल और आसान तरीके से गोजा या फिर हमारे चाशनी वाले शक्कर पारे बन के तैयार है दोस्तों मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और इसी रेसिपी के लिए मुझे फॉलो और सब्सक्राइब करें दोस्तों